हम आपके बीच हमारे नेता राहुल गांधी जी जो आने वाले 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक न्याय का मिलने तक। राहुल गांधी जी ने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कई हजार किलोमीटर पैदल चलकर देश की आम इंसान के बुजुर्ग के महिलाओं के युवाओं के छोटे और मध्यम बेरोजगारों के आत्महत्या करते किसानों के दर्द को सुना और उन्होंने समझा। आपने सबने सुना होगा राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने उस दर्द को समझा जिससे आज जनता बेहाल है परेशान है। आज बार बार हम हर जगह ये देखते आ रहे हैं कि पिछले 10 साल देश में अन्याय काल रहा है। अन्याय काल कैसा अन्याय मैं एक एक करके आपको बताऊंगी क्या क्या अन्याय देश की जनता ने इस 10 साल में सहा है। कौन सी जनता? जिस जनता से कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, जिसने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, हर तरीके के जुमले छोड़े गए। देश की जनता से कहा गया था 15 लाख आपके खाते में आएंगे। देश की जनता से कहा गया था कि काला धन आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे, सबसे जनधन खाते खुलवा लिए, सबसे ये कहा गया कि जनधन खाते खोल लो। लेकिन वो खाते खुलने के बाद उनके खातों में जो पैसा था मिनिमम बैलेंस के नाम पर काटने लगे। 15 लाख तो किसी को मिला नहीं। आज लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं कि जनता की पीठ पर खंजर चाकू भोंकने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वो कैसे किया मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी कि इन्होंने 10 वर्षों में जो लोकतंत्र को चोट पहुंचाई लगातार चुनी हुई सरकारें गिराकर, जहां इनकी सरकारें नहीं बनी वहां जबरदस्ती इन्होंने विधायकों को खरीद खरीद कर हॉर्स ट्रेडिंग कर होटल में और रिजॉर्ट्स में उनको रखवाकर सरकारें तोड़ी हैं, गिराई हैं और अपनी सरकारें बनाई हैं। मैं आपको बताऊंगी कि देश के युवा ने क्या झेला है पिछले 10 साल में। इन्होंने कहा था युवा बेरोजगार, अब भारत को बेरोजगार बनाओ। कैसे बनाओ? बेरोजगार लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है। 1 करोड़ बेरोजगार 2012 से 4 करोड़ 2022 तक हो गए हैं। बेरोजगारी दर 45 वर्षों में हमारे देश में सबसे ज्यादा है। आज अगर देश का युवा नौकरी मांगता है तो आप पकौड़े की बात करते हैं, आप अग्निवीर जैसी स्कीम ले आते हैं और जहां हमारे देश का युवा महीनों महीनों सालों सालों की तैयारी करके देश की आर्मी में भर्ती होना चाहता था उन्हें भी आपने ठेकेदारी सिस्टम पर ला दिया। 4 साल की नौकरी और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप हमारे युवा को आपने मजबूर किया। आपने बार बार कहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दे सिर्फ राहुल गांधी जी के नहीं है, ये मुद्दे सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये मुद्दे देश की जनता के हैं और हर घर के, हर किसी के घर में बेटियां हैं, हर किसी के घर में बहनें हैं, हर किसी का घर किसान से, हम सब अनाज, हम रोटी तब खा पाते हैं जब हमारे देश का किसान दिन रात गर्मी सर्दी ना देखते हुए
हमारे मुंह में तब जाता है। तो सिर्फ किसान का जीवन नहीं जुड़ा हुआ है खेती से, किसानी से, हर किसी का जीवन, आपका हमारा, हर एक घर का जीवन किसानों से जुड़ा है। हर किसी के घर में आज बेरोजगारी का जरूर देखने को मिलता होगा। आज पढ़ लिख कर जब युवा माँ बाप कर्ज लेकर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद उस नौजवान युवा को नौकरी न मिलकर आत्महत्या करनी पड़ती है, पेपर लीक होते हैं, बार बार पेपर पोस्टपोन होते हैं, पेपर कैंसिल होते हैं, भर्ती घोटाले होते हैं, तो युवा आत्महत्या करता है। और ऐसा युवा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा नहीं, हर घर में आज ऐसा युवा बेरोजगार आप पाओगे। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हर उस बेरोजगार युवा को न्याय दिलाने की लड़ाई है जो हमारे नेता राहुल गांधी का ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जिस समय देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो किसी उस शहीद देश के लिए स्वतंत्रता में अपनी आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानी ने नहीं सोचा था कि हमें आज आजादी मिलेगी। लगातार उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते न जाने कितने हमारे ऐसे वीर सपूत सपूतों की बलिदानी हुई, तब जाकर ये आजादी मिली। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनका कोई रोल नहीं था इस आजादी की लड़ाई में। तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि राजनीतिक नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये देश के युवा की लड़ाई है, ये देश की महिलाओं की लड़ाई है, ये देश के किसानों की लड़ाई है, ये देश के हर छोटे और मध्यम व्यापारी की लड़ाई है। आज इनके व्यापार ठप हो गए। मैं इन्होंने विधायकों को खरीद खरीद कर हॉर्स ट्रेडिंग कर होटल में और रिजॉर्ट में उनको रखवाकर सरकारें तोड़ी हैं, गिराई हैं और अपनी सरकारें बनाई हैं। मैं आपको बताऊंगी कि देश के युवा ने क्या झेला है पिछले 10 साल में। इन्होंने कहा था युवा बेरोजगार, अब भारत को बेरोजगार बनाओ। कैसे बनाओ? बेरोजगार लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है, 1 करोड़ बेरोजगार 2012 से 4 करोड़ 2022 तक हो गए हैं। बेरोजगारी दर 45 वर्षों में हमारे देश में सबसे ज्यादा है। आज अगर देश का युवा नौकरी मांगता है तो आप पकौड़े की बात करते हैं, आप अग्निवीर जैसी स्कीम ले आते हैं, और जहां हमारे देश का युवा महीनों महीनों सालों सालों की तैयारी करके देश की आर्मी में भर्ती होना चाहता था, उन्हें भी आपने ठेकेदारी सिस्टम पर ला दिया, 4 साल की नौकरी और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप हमारे युवा को आपने मजबूर किया। प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के 3 पदाधिकारी जिन्होंने बेटियों के साथ, बेटी के साथ बीएचयू आईटी की छात्रा के साथ बलात्कार किया, उसके एफआईआर होने के बाद भी 60 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया, बचाया और उन्हें मध्य प्रदेश चुनाव में ड्यूटी पर भेज दिया गया। ये बेटी बचाओ है या बलात्कारी बचाओ है, आप मुझे बताइए। बृजभूषण शरण सिंह को बचाना बेटी बचाओ है या बलात्कारी बचाओ है, मुझे बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर को बचाना बेटी बचाओ है या बलात्कारी बचाओ है, बताना, आप मुझे बताइए। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्र के द्वारा प्रताड़ित की गई, बलात्कार कर दिया गया, हत्या कर दी गई, ये बेटी बचाओ है या बलात्कारी बचाओ है, आप मुझे बताइए। कथनी और करनी के फर्क सामने पता चलते हैं। आज एनसीआरबी से पता चलता है कि महिलाओं के अपराध में सबसे अधिक 2022 में हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज होते हैं, हर घंटे। उत्तर प्रदेश से आती हूं, आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है, आज अपराध में नंबर 1 पर है। एनसीडब्ल्यू नेशनल
के करीब केसेस में से आधे से ज्यादा केस 16,168 केस मात्र उत्तर प्रदेश से। आपके बगल में मणिपुर है, मणिपुर में किस तरीके से बेटियों को नंगा करके घुमाया गया सड़कों पर, आप मुझे बताइए ये बेटी बचाओ था या फिर आपका ही बचाओ था? कहां गई थी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में जब उस बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, सड़कों पर घुमाया गया? और सिर्फ वो एक बेटी नहीं थी मणिपुर की, यहां नॉर्थ ईस्ट में बैठी वो एक बेटी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो मात्र एक केस है, ऐसे सैकड़ों केस मणिपुर में हुए। सोचिए उन सैकड़ों बेटियों की व्यथा वहीं पर जहां उस बेटी को इस तरीके से घुमाया गया, उससे कुछ ही दूरी पर एक बेटी को और जलाया गया। वहीं उसके घर में ले जाकर कार वॉश में काम करती थी वो लड़कियां, उन्हें वहां से उठाया गया और उन्हें जलाया गया। बताइए कितनी एफआईआर वहां भी किसी ने कोई अरेस्टिंग कोई जब तक वीडियो डाले नहीं, वो कुछ नहीं किया। क्या ये देश की जनता के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान की बेटियों के साथ अन्याय नहीं है? आप मुझे बताइए। तोड़ दिया, मैंने आपसे कहा दुर्लभ शब्द है। WHO का अनुमान है कि 47 लाख लोग मारे गए जो सरकारी आंकड़ों से 10 गुना अधिक थे। विश्व में, मैंने कहा विश्व की बात मैं करूंगी, पूरे विश्व में 3 में से 1 व्यक्ति भारत में मारा गया। अगर पूरे विश्व में 3 व्यक्ति मरे तो उनमें से 1 व्यक्ति भारत का था। ये दिया इन्होंने भारत को कोरोना काल में, कोविड काल में। अब मैं आपसे बात करूंगी MSME और GST, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर आपने सबने देखा हो, अब कहां है वो मेक इन इंडिया का बब्बर शेर? कहां गायब हो गया शेर? कौन से गुफा में दुबक गया? कौन सी गुफा में अब शेर चला गया, मैं पूछना चाहती हूं। हमें अब मेक इन इंडिया का वो बब्बर शेर कहीं दिखाई नहीं देते। आज तो इंडिया के नाम से नफरत हो गई है लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को। ये अपने मुंह से इंडिया नहीं कहना चाहते आज, और तब कहते थे मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करती हूं, मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 2014 से गिरकर 2022 में 13% के सार्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई। 13% तक मैन्युफैक्चरिंग भी है 2014 के मुकाबले अब 2022। उद्योग बंद हो रहे हैं, छोटे और मध्यम व्यापारी आज परेशान हैं, उन्हें अपनी छोटे व्यापार उद्योग बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो मोदी जी के दोस्त बनाएंगे। पेट्रोल मोदी जी के दोस्त बेचेंगे, जूता मोदी जी के दोस्त बेचेंगे, चावल मोदी जी के दोस्त बेचेंगे, तेल मोदी जी के दोस्त बेचेंगे, सब्जी फल मोदी जी के दोस्त बेचेंगे। आप समझ जाइए देश की जनता, देश का युवा, देश का मध्यम वर्ग, छोटा और मध्यम व्यापारी, छोटे और मध्यम व्यापार उद्योग चलाने वाला आज अपनी कंपनियां बंद करने लगा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप मुझे बताइए पेट्रोल डीजल रसोई गैस आटा दाल चावल चीनी और रिफाइंड तेल सरसों का तेल क्या दाम है? दवाइयों का क्या दाम है? पहली बार हमने देखा किसी देश में, पूरे विश्व में किसी देश में बच्चों की कॉपी पेन किताबों पर भी GST लगा, छोटे बच्चों के दूध पर GST लगा, दही पर GST लगा। ये हमने विश्व में पहली बार देखा कि किसी देश में ऐसा हुआ। जब कच्चा तेल पूरे विश्व में सस्ता हो रहा है, हिंदुस्तान में कच्चे तेल की कीमतें आप देखिए, उसकी कोई भी आपने देखा होगा, हिंदुस्तान की जनता को राहत नहीं मिली। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो एक एक चीज का दाम बढ़ता है, एक एक चीज का दाम बढ़ता है। हमारे घर जब बात आती है, आज महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, लोगों के घर चलाने आज मुश्किल हो गए हैं।
बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आती हूँ मैं, अभी एक किसान ने अपने आप को मिट्टी का तेल छिड़क कर वहां के जिला मुख्यालय पर आग लगा ली अपने आप को। क्यों? क्योंकि कर्जा हो गया, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। गरीब किसान, मध्यम वर्ग, छोटे बेरोजगार, युवा, सभी परेशान। आज इस सरकार ने देश की जनता को अगर दिया है तो सिर्फ धोखा दिया, अगर किया है तो उनकी पीठ में खंजर होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने किसानों को धोखा दिया। बहुत जरूरी है पता चलना त्रिपुरा में भी लोगों को। 5 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने वाले की शुरू, बेटी बचाओ की जगह बलात्कारी बचाओ बनाने वाले की शुरू, किसान को आत्महत्या में मजबूर करने वाले की शुरू, देश के छोटे और मध्यम व्यापार को अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए बंद कर मार देने वाले विश्व गुरु कौन से? विश्व गुरु कौन से? विश्व गुरु ये भारतीय जनता पार्टी के सेल्फ क्लेम्ड विश्व गुरु हैं। हिंदुस्तान की जनता और पूरा विश्व जानता है मोदी जी ने देश की जनता को सिर्फ बेरोजगारी दी है। बेटियों की आबरू आपके बगल के राज्य मणिपुर में जिस तरीके से तार तार की गई, कहां गए थे विश्व गुरु? मैं पूछना चाहती हूं आपसे सवाल, आप बताइए मुझे कहां थे विश्व गुरु? क्या मणिपुर की बेटियों के आंसू पोंछे होंगे विश्व गुरु ने? क्या एक मां जिसका बेटा बगल में, छोटा सा बेटा बगल में एक लाश के रूप में पड़ा था और मां रोती रही कि मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा था, उस मां से उसका बच्चा छीनने वाले विश्व गुरु? क्या 80-84 दिन बाद इतनी सारी लाशें मणिपुर में जला देने वाले विश्व गुरु? ये विश्वगुरु है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा गया जिसने हमारे देश के हर वर्ग को प्रताड़ित करने के अलावा कुछ नहीं किया। जो लोकतंत्र को चोट पहुंचाई, लगातार चुनी हुई सरकारें गिरा रहे, जो गरीब और मध्यम वर्ग और पिछड़े परिवार उनको और गरीब बनाया जा रहा है, कैसे बन रहे हैं? बेरोजगारी से, महंगाई से, इनकम ना बढ़ने से, लगातार। आप देखिए 2013 के बाद दलितों के खिलाफ जो अपराध में 46.11% की वृद्धि हुई, ये एनसीआरबी का डेटा है। 2013 के बाद आदिवासियों की, त्रिपुरा में काफी आदिवासी बैठे हैं और मैं बताना चाहूंगी त्रिपुरा के एक एक आदिवासी परिवार को कि आदिवासियों के साथ अपराध में 48.15% की वृद्धि हुई, ये एनसीआरबी का डेटा कहता है। और मैं यहां पर पूछना चाहूंगी, हमारे नेता हर बार कहते हैं जाति जनगणना कराइए, जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी। आखिर इस सरकार को ये करने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? ये नहीं कराएंगे क्योंकि ये देश की धन संपत्ति अपने कुछ चंद उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं, देश की जनता के हाथ में ये कटोरा देना चाहते हैं ताकि गरीब और गरीब हो और इनके पीछे गरीब भागता रहे, इनके हिंदू मुस्लिम जात धर्म के झांसों में आए और इनके पीछे भागता रहे। ये कहते थे आत्मनिर्भर भारत, ये 5 किलो गेहूं और चावल बांटकर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत है जहां देश की जनता को आप 5 किलो चीनी, 5 किलो चावल आटा देकर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? आप युवा को रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? आप युवा को शिक्षा क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि आप लगातार अपने उद्योगपति दोस्तों को मजबूत करना चाहते हैं, देश की जनता, देश के युवा, देश के किसान, देश की महिलाएं
और देश के बच्चों को मजबूत नहीं करना चाहते, आपकी मंशा में फोड़। दिन 6713 किलोमीटर 20 मार्च तक मुंबई में 110 जिले और 15 राज्य कवर करते हुए यात्रा करेंगे। लगातार जैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में किया, देश के गरीब किसान से, मजदूर से, महिलाओं से, मध्यम वर्ग से, युवाओं से, हर उस वर्ग से मिलेंगे आज जो प्रताड़ित हुए। भारत जोड़ो यात्रा का रूप मणिपुर 107 किलोमीटर एक दिन 4 जिला, नागालैंड 257 किलोमीटर 2 दिन 5 जिला, असम 833 किलोमीटर 8 दिन 17 जिला, अरुणाचल प्रदेश 55 किलोमीटर एक दिन 1 जिला, मेघालय 5 किलोमीटर एक दिन 1 जिला, पश्चिम बंगाल 523 किलोमीटर 5 दिन 7 जिला, बिहार 425 किलोमीटर 4 दिन 7 जिला, झारखंड 804 8 दिन 13 जिला, उड़ीसा 341 4 दिन 4 जिला, छत्तीसगढ़ 536 किलोमीटर 5 दिन 7 जिला, उत्तर प्रदेश 1074 किलोमीटर 11 दिन 20 जिला, मध्य प्रदेश 698 किलोमीटर 7 दिन 9 जिले, राजस्थान 128 किलोमीटर 1 दिन 2 जिले, गुजरात 445 किलोमीटर 5 दिन 7 जिले, महाराष्ट्र 489 किलोमीटर 5 दिन 6 जिले, ये यात्रा कवर करने जा रही है। सरकार देश की जनता के साथ कर क्या रही है? मोदी सरकार के जो 3 काले कानून आए, 3 काले कानूनों के कारण हमारे देश के किसान बॉर्डर पर बैठे रहे ठंड में, लगातार उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, कीले ठोक दी गई उनके आगे, 750 किसानों की मौत हो गई, शहादत हो गई, लेकिन उसके बाद इस तानाशाह सरकार की नींद नहीं खुली और एक भी सांसद संसद में ऐसा नहीं था जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उनके लिए शोक व्यक्त करना चाहा, 750 किसानों के लिए शोक व्यक्त करना चाहा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता खड़ा होकर उनके लिए शोक व्यक्त नहीं किया। और तो और किसानों को कहा गया कि हमें तो पता ही नहीं है कितने किसानों की मौत हुई, लगातार उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने किन किन नामों से बुलाया गया। आज देश में एक नई नीति आ गई, अगर मुसलमान सवाल उठाए तो पाकिस्तानी, सरदार सवाल उठाए तो खालिस्तानी, किसान सवाल उठाए, युवा सवाल उठाए तो देशद्रोह। आज अगर महिलाओं के साथ अत्याचार की मैं बात करूं तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो भी किसी से छुपा नहीं, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। मैं किसानों का आपको बताना चाहूंगी कि भारत में हर घंटे कम से कम एक किसान आत्महत्या से मरता है हिंदुस्तान में। आज ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये राहुल गांधी जी नहीं कह रहे हैं, ये खड़गे जी नहीं कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी का डेटा कह रहा है 2022 का कि भारत में, हिंदुस्तान में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है।